हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और तीन वीडियो आज की डेट में आ चुकी है। इन वीडियोस को जाके देख लीजिएगा कि किस तरीके से यहां पर किस सेक्टर में अच्छा खासा पैसा बन सकता है। यहां पर शुगर स्टॉक्स में यहां पर ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पर खड़ा हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करें IT के कुछ दिग्गज शेयर, यहाँ पर जो आपने नाम शायद ना सुने हो एक आध के, तो वो उनकी तरफ ध्यान दीजिए क्योंकि काफी बेहतरीन ये शेयर नजर आते हैं। टेक्निकल के साथ समझा रखे हैं तो चीजें समझ में आएगी। लास्ट तक वीडियो में देखा करेंगे इसे तो आपको समझ में आएगा कि क्या एग्जैक्टली कह रहे हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक से रिलेटेड, जहां पर एक ब्रिटानिया है और एक है AWL मतलब अडानी विलमार्क। इन दोनों शेयर से रिलेटेड हम बातें करेंगे और क्या इनमें पॉसिबिलिटी है, क्या इसमें हो सकता है, उससे रिलेटेड बातें होंगी। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर जो कि आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। और यहाँ पर केवल सीखना है, टेक्निकल सीखना है एज वेल एज फंडामेंटल सीखना है, और उसके बेसिस पर अगर काम करेंगे अच्छा पैसा बनेगा। और यहाँ पर ये दो नंबर दे रखे हैं, अगर आप हमसे चाहे तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कोई कमेंट हो तो कमेंट करिए, क्वेरीज हो तो कोई अगर यहाँ पर, और हर एक वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियोज बनाई जाती है। तो जैसे कि आज यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से ब्रिटानिया ने, किस तरीके से AWL ने अब लोगों को फंसा दिया है और एक बड़ी गिरावट दोबारा होती हुई नजर आएगी। आज सबको लगा होगा कि यहाँ पर शेयर 7% 8% 10% भागता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज में भी मैं देख रहा था तो मैं हंस रहा था कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर बेवकूफ बनाया जाता है और लोग यहाँ पर बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं और वो भी इसके शिकार हो जाते हैं। तो चीजें समझने की कोशिश करें, मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा, कुछ चीजें समझाऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप यहाँ पर डिसाइड करिएगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या, और नेक्स्ट टाइम जब इस तरीके की रैली हो रही हो और इस तरीके की जब यहाँ पर इस तरीके की रैली हो जाए एक ही दिन में और लगातार ये भी रैली हो रही हो, तो कुछ कॉशियस रहने की जरूरत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटर कराते कुछ न्यूज वाले कराते, कुछ एंकर कराते हैं, कुछ यहाँ पर टीवी पर बताया जाता है, कुछ न्यूज में बताया जाता है। तो हमेशा बेचना भी किसी के सुनने पर या कहने पर नहीं है और एक और खरीदना भी किसी के कहने और सुनने पर नहीं है। ब्रेक डाउन भी हो रहा है तब भी, ब्रेकआउट भी हो रहा है तब भी, कुछ टेक्निकल सीखिए, खुद की समझ का यूज करिए, तब जाके यहाँ पर कोई भी डिसीजन लीजिए। ये था मेरा कहने का मतलब। अब कैसे यहाँ पर लोग फंसते हुए नजर आए, तो देखिए ब्रिटानिया में आज के दिन होती हुई नजर आई तेजी। क्या होती हुई नजर आई? तेजी। और ये तेजी जब हुई लोग सोच रहे थे कि और तेजी होगी, और भागेगा और भागेगा और ये शेयर यहाँ पर भाग के अच्छा खासा 3600 के लेवल पे आके कितने रुपए टूट गया, लगभग 250 रुपए टूटता हुआ नजर आया। अच्छा खासा ये शेयर यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया और एक आज जो कैंडल बना दिया उस कैंडल में ये शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ सकता है। आपको दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पर लाइन चार्ट आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पर। बट आप यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर देखिए पूरा ऊपर जाके शेयर नीचे आ गया, तो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था लाइन चार्ट के हिसाब से, और यहाँ पर ये शेयर भागता हुआ नजर आ रहा था। तो काफी सारी जब टेक्निकल की बातें करेंगे ना, टेक्निकल का चैनल खोलेंगे तब ये डिफरेंस वगैरह सब मैं आपको बताऊंगा। बट अभी बताने का मकसद क्या है कि किस तरीके से शेयर यहाँ पर ऊपर गया, ऊपर जाके लोगों को फंसाया, टीवी वालों ने कह दिया इतना बेहतरीन शेयर है, इतना बेहतरीन शेयर है, और किस बेसिस पे कह रहे थे? ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। तो रिजल्ट आप खुद देखिएगा, क्या रिजल्ट अच्छे थे आप यहाँ पर खुद डिसाइड करिएगा। तो रिजल्ट देखने में हमेशा एक चीज याद रखिए, ईयर ऑन ईयर, वाई ऑन वाई बेसिस पे यहाँ पर डिसाइड करना होता है, क्वार्टरली बेसिस पे कोई डिसीजन यहाँ पर आपको नहीं लेना होता। तो यहाँ पर देखेंगे सेल्स है 3550 करोड़ की, लगातार तीन क्वार्टर से घट रही है, यहाँ 3607 थी, यहाँ 3575 थी, यहाँ 3550। एक्सपेंसेस की बात करें, कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर 550 करोड़ रुपए का था जो कि क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे अच्छा था। बट यहाँ पर प्रॉफिट नहीं देखना, आपको देखना है मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर डिसाइड करता है कि चीजें ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। तो यहाँ देखेंगे मार्जिन लगातार यहाँ पर 21 से 20 हुए, 20 से 19 हुए, 19 से 16, 16 से 15 पे चल रहे हैं। तो क्वार्टरली बेसिस पे तो फ्लैट थे, बट ईयरली बेसिस पे क्या थे? ईयरली बेसिस पे थे डाउन। तो यहाँ पर शेयर यहाँ पर जो भगाया जा रहा था, बेफालतू में भगाया जा रहा था शेयर और बड़े लोग और कुछ न्यूज वाले इस शेयर को चला देते हैं, और कोई भी शेयर को चला देते हैं वो चीजें भागने लग जाती है, और रिटेल इन्वेस्टर
दौड़ के खरीदने लग जाता है, बेवाल्तू में यहाँ पर खरीदने लग जाता है। और यहाँ पर देखिए डीआईएस ने यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर होल्डिंग कम करी थी जब ये शेयर नीचे आया था। इसमें हमने पहले यहाँ पर, अगर मैं आपको बताऊं, काफी बार हमने यहाँ पर स्विंग ट्रेड कर करके यहाँ पर पैसा कमाया है, बट मैंने अभी तक ये शेयर यहाँ पर नहीं बताया। बट आज यहाँ पर इस रेंज में ट्रैक जरूर कर रहा था, नजर थी बट इतनी गहराई से नजर नहीं थी। बट आज जब देखा जिस तरीके से भाग रहा था, मुझे पता था कि यहाँ पर अच्छे खासे लोग फंसेंगे, तो आज फंसते हुए यहाँ पर नजर आए। तो देखिए अच्छा खासा ऊपर गया, नीचे आया और लोगों को 3600 के लेवल पे दिला के, लॉलीपॉप पकड़ा के यहाँ पर नीचे आ गया है। और ये शेयर अब मुझे नहीं लगता जिस हिसाब से रिजल्ट आया है कोई अच्छे बेहतरीन रिजल्ट है, चीजें नीचे आती हुई दिखाई देगी। और अभी जितनी भी एफएमसीजी के शेयर है, कहीं ना कहीं उन पे मार्जिन की एक्सपेंसेस की वजह से मार्जिन पे मार पड़ रही है, तो इस चीज को थोड़ा सा आपको समझना होगा। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस नजर आता है। यहाँ से दोबारा भागेगा तो यहाँ पर और भी यहाँ पर रेजिस्टेंस नजर आता है, और मेल ब्रेकआउट के लिए 3597 को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। बट अभी जिस तरीके के रिजल्ट आया, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कंसोलिडेट करके और थोड़ा ऊपर जाके शायद कंसोलिडेट करके चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है, और यहाँ पर दोबारा 3000 के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर लेवल आए उस टाइम में आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए बारे में यहाँ पर सोच सकते हैं, और वो भी कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। तो इस चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मार्जिन का खेल बहुत होता है, मार्जिन देखिए उसके हिसाब से यहाँ पर काम करिए। और बहुत सारी टेक्निकल चीजें भी होती है, और जो आज कैंडल इसने बनाई है, जो ये कैंडल बनाई है, ये कैंडल दिखाती है कि चीजें अब यहाँ से थोड़ी, यहाँ पर जो ये कैंडल बनी है ये दिखाती है कि यहाँ से गिरावट होती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर से एक अच्छी खासी गिरावट होती हुई नजर आ सकती है, और इस लेवल को अगर यहाँ पर तोड़ा, 3270 के आसपास का ये लेवल है, इसे तोड़ा तोड़ा तो सीधे चीजें यहाँ पर आती हुई दिखाई दे सकती है। बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से करनी है, हेल्प लेनी है। बट अब बात करते हैं अडानी बुल मार्केट की, AWL जिसे कहते हैं। बहुत शेयर भगाया, यहाँ पर काफी लोग कह रहे थे क्यों नहीं खरीदा, कैसे नहीं खरीदा, किस लिए नहीं खरीदा। और भगाए जा रहे थे, ऑयल की न्यूज आ रही थी तो भगा रहे थे क्योंकि फॉर्च्यून आइलैंड का सेल होता है। इसके अलावा नया शेयर आया इसलिए भगा रहे थे, और ये अडानी बिलमार, ये अडानी बिलमार, वो ये वो कर करके बस भगाए जा रहे थे, भगाए जा रहे थे। कुछ वैल्यूएशन नाम की भी चीज होती है, बहुत सारी चीजें आपको समझना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए लॉलीपॉप पकड़ा के दोबारा ऑपरेटर यहाँ पर चले गए, और अब शेयर गिरता हुआ नजर आएगा। क्यों गिरता हुआ नजर आएगा, तो दोबारा आ जाइए अडानी बिलमार के रिजल्ट की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए पी रेशो 115 का, इंडस्ट्री का 33 है, तो अलग ही दिशा में ये भागता हुआ नजर आ रहा है। पीयर से भी कंपैरिजन करेंगे तो रुचि सोया भी 41 के पी पे मिल रही है, एज वेल एज गोकुल एग्रो 14 के पी पे मिल रही है, और दूसरे यहाँ पर सस्ते मिल रहे हैं, बट ये 115 के पी पे अलग ही दिशा में ये बह रहा था। और इतना वैल्यूएशन नाम की चीज होती है। आरओसी आरओई ठीक ठाक है, डेट फ्री ये कंपनी है, 36% के आसपास के यहाँ पर डेट भी है। 56 का बुक वैल्यू है, 716 पे ये शेयर चल रहा है, 878 तक ऊपर गया, 1 का फेस वैल्यू है, और कहीं ना कहीं बहुत महंगा यहाँ पर शेयर नजर आता है। अब आए थे इसके 1-2 दिन पहले रिजल्ट, रिजल्ट देख लीजिए, सेल्स तो यहाँ पर डेफिनेटली बढ़ी है। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है 414 करोड़ का, जो क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है, बट एनुअली बेसिस पे जंप है। बट अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन रह गया है 3% का, जिस तरीके से यहाँ पर शेयर को भगाया जा रहा था। एटलीस्ट अगर रिजल्ट अच्छे आते, मार्जिन अगर यहाँ पर 3 की जगह यहाँ पर कम से कम 5% का मार्जिन होता, 4 का भी होता, तो यहाँ पर समझ लेते ठीक है कंपनी बाय ऑन बाय बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ पर कंपनी के नंबर नहीं आए हैं अच्छे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि नेट प्रॉफिट भी 223 करोड़ रुपए का है। इवन इफ यहाँ पर देखेंगे अदर इनकम बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है, 61 करोड़ रुपए की, बट स्टिल यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनका जो नेट प्रॉफिट है, वो क्वार्टरली और एनुअली दोनों बेसिस पे यहाँ पर फिस होता हुआ नजर आया है। और जो 25 का यहाँ पर ईपीएस चल रहा था वो 1 रुपए का ईपीएस रह गया है, तो कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं है, घाटे में यहाँ पर चल रही है। और किसी भी एंगल से यहाँ पर नजर नहीं आता था। नेट प्रॉफिट जिसको मिल गया, जिसने बेच दिया वो ठीक है, बट यहाँ पर अब अपर सर्किट लोअर सर्किट लग के शायद चीजें नीचे आ सकती है। लॉन्ग टर्म के व्यू से शेयर अच्छा है, बस शॉर्ट टर्म के व्यू से अभी यहाँ पर निकलना काफी बेहतर बात रहेगी। रिजर्व्स बढ़ रहे हैं बट बोरिंग भी साथ साथ यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखा है, और यहाँ पर प्रमोटर्स के पास 87% के शेयर है। जब तक यहाँ पर ये 75% का रेशो यहाँ पर कंप्लीट करना भी जरूरी है। FIs भी है, DIs भी है, पब्लिक भी है, और यहाँ पर अगली बार का जब ये रिजल्ट आएगा
शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा तो आपको पता चलेगा इसमें से काफी चीजें यहाँ पर बदलती हुई नजर आ गई है, काफी लोगों ने यहाँ पर बेचते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ पर एक स्टडी होती है ओके एडवांस फीवो की, उसके हिसाब से अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पर पता चलेगी कि एक रैली थी ओके वो रैली यहाँ पर यहाँ तक ही होती होनी थी ओके और वो रैली यहाँ पर होके खत्म हो चुकी है, अब यहाँ पर रैली नहीं होती। देखिए रैली यहाँ तक होनी थी ओके, यहाँ पर से फिर खतरा शुरू हो गया था, यहाँ पर चीजें ऊपर लेके गए ओके और लेके यहाँ पर अप डम कर दिया, और नीचे कहाँ तक जाएगा तो आपको पता नहीं है। ये सपोर्ट यहाँ पर दिखाई देता है, सपोर्ट ये तोड़ा फिर इसके बाद ये सपोर्ट नजर आता है, ये तोड़ा तो यहाँ पर भी आ सकता है, तो ये सारे के सारे सपोर्ट लेवल हैं। एक बार चाहे तो आप वेट सेक्शन नोट कर सकते हैं ओके, और जैसे जैसे टूटते जाएंगे तो ये चीजें और नीचे आती हुई नजर आ सकती है, रिजल्ट अच्छे नहीं आए शायद यहाँ पर, और एक आध बार कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर और ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाके ऑपरेटर फिर फंसा के फिर नीचे लेके आ जाए। क्यों? क्योंकि चीजें लगातार गिरावट नहीं होती, लगातार यहाँ पर देखिए जब गिरावट हो रही थी तब लगातार गिरावट नहीं हुई, चीजें फिर ऊपर गई, फिर गिरावट हुई, फिर ऊपर गई, फिर गिरावट हुई, फिर ऊपर गई, फिर गिरावट हुई ओके। बट अभी अब जैसे गिरावट की बात हो रही है तो यहाँ पर गिरावट हो रही है, फिर भगा देंगे, फिर गिरावट होगी, फिर भगा देंगे, फिर गिरावट होगी, फिर भगा देंगे, रिट्रेस करेंगे और ऐसे ऐसे करके नीचे ले आएंगे। तो इसी तरीके से कार ट्रेड में भी हुआ था, इसी तरीके से पेटीएम में भी हुआ था। तो इन दो कहानियों को समझना बहुत जरूरी है, कोई भी चीज आंखें बंद करके ओके आपको यहाँ पर खरीदनी नहीं होती, और एक टारगेट और एक लेवल होता है, उसके बाद कॉशियस होना बहुत जरूरी होता है। लोअर सर्किट लग गया है, डोंट नो कब तक लोअर सर्किट लगे, और डोंट नो कि यहाँ पर लोअर सर्किट हटके शायद ऊपर ले जाए और ले जाके फिर दोबारा अटका के यहाँ पर नीचे आ गया। और जब तक इस लेवल को नहीं निकाले, याद रखिए 873 के लेवल ना निकाले तब तक आपको एंट्री नहीं करनी है, अगर आपने कहीं एंट्री कर ली तो बीच में फंसे रह जा सकते हैं, ना घर के रहेंगे ना घाट के, तो इस चीज को थोड़ा समझिएगा। तो दो स्टॉक्स याद रखिए, अडानी विलमार और ब्रिटानिया ओके, दोनों में आपको मैंने बता दिया है मार्जिन की कमी आई है ओके, और वाई ऑन वाई बेसिस पर रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, और ये अगर चीजें यहाँ पर भगाई जा रही है तो आपको कहीं ना कहीं कॉशियस रहना पड़ता है। और एक दिन में लगातार ऊपर तेजी हो गई ओके, तो अगर आपने यहाँ पर बीच में एंट्री ले भी लिया, गिरावट हो रही है आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर चुपचाप एग्जिट कर लीजिए, बेफालतू के लालच में मत पड़िए। क्यों? क्योंकि ऐसे केसेस में मैं भी काफी बार फंस चुका हूँ, बट धीरे धीरे जब हम यहाँ पर मार्केट में रहते हैं तो अब समझ में आती है, तो अब जब चीजें समझ में आती है तो ऐसे ट्रेड नहीं लिए जाते, और यही चीज मैं आपको यहाँ पर फ्री में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, जितना हो सके सपोर्ट करिए ताकि हमारे आपके भाई का चैनल यहाँ पर बड़ा हो, और ये चैनल बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर सिखाई जाएंगी कि यहाँ पर पैसा तो बनेगा ही बनेगा, कोई यहाँ पर रोक नहीं सकता, इस चीज को याद रखिए। बस थोड़ा सा टाइम और दीजिए, चैनल क्रिएट होने वाला है, चैनल क्रिएट होगा, फेसबुक की वीडियोज बनाई जाएगी, तब बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।